Today we are continuing our third chapter, part 4. So, students, last class में हमने hemp के बारे में study किया. Hemp plant कैसा होता है, monsoon में, during monsoon में वो क्या होता है, grow करता है, and उसकी जो soil होती है, loamy soil होती है, and hemp fiber के uses क्या, net, cloth and जो paper बनते हैं, उनके लिए use किया जाता है. And today we are continuing your this chapter and plant तक हमने study करा. अब तीन चीजें रहती हैं जो हमारे plant में आज हम जो discussion करेंगे, including hemp. आता है ई पार्ट ग्रैमी. ग्रैमी क्या बच्चों? दिस फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ ग्रैमी. ग्रैमी प्लांट. ग्रैमी प्लांट क्या बच्चों? पिक्चर में देखो, एक फ्लावर की तरह होता है. आर यूज्ड टू मेकिंग कैनवास, ट्रैपिंग, फिशिंग नेट्स एक्सेट्रा. बच्चों जो हमारे फिशिंग वगैरह करते हैं, जो नेट बनते हैं ना फिशिंग के लिए, वो ग्रैमी प्लांट से अपने को जो फाइबर मिलता है उससे क्या हमें हम बनाते हैं. उसके बाद आता है सीजल. सीजल प्लांट देखो बच्चों, फ्रॉम द लीव्स ऑफ सीजल. लाइक सीजल प्लांट क्या है, एक तरह की ना ये नुकीला होता है, बहुत ज्यादा तीखा होता है. आप इसके पिक्चर के अंदर देख सकते हो. यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉप, ये हमारे रस्सियां बनाने में, मैटिंग के लिए यूज किया जाता है. एंड नेक्स्ट आता है हमारे प्लांट फाइबर के अंदर लास्ट टॉपिक, कपॉक. कपॉक क्या है? ये फुली फुली येलोइश फाइबर होता है सराउंडिंग द सीड ऑफ सिल्क कॉटन प्लांट. इसके सराउंडिंग में जो किससे ये होता है सिल्क कॉटन प्लांट, एंड इट्स फाइबर इज नोन एज कपॉक. आप इसको कैसे बोल सकते हो? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लफी येलोइश फ्लावर फाइबर. फ्लफी क्या होता है? येलोइश फाइबर होता है. और सराउंडिंग द सीड ऑफ, इसका जो सीड होता है वो किससे सराउंडिंग होता है? सिल्क एंड कॉटन प्लांट से. ठीक है, इसलिए अपने इसको क्या बोल देते हैं? कपॉक. अब मेरी बात सुनो, सिल्क कॉटन को आप मिक्सचर याद कर सकते हैं. देखो सिल्क प्लस कॉटन कपॉक बनाना है. सिल्क का के ले लो कपॉक. जैसे के और ओ दिखेगा आपको पता चलेगा ये क्या है, कपॉक. ठीक है, इस ट्रिक से आपको लर्न रहेगा. सिल्क और कॉटन का मिक्सचर कपॉक. इट इज अ लाइट एंड वाटर रिप्लेंट. लाइट होता है ये. अब जैसे कॉटन आपको मैंने बताया था लाइट होता है, वाटर लाइट कपॉक इज एक्सपोज्ड. कपॉक फाइबर यूज मेकिंग क्लोथ इन लाइट प्रोसेसेस, स्टफिंग मटेरियल एंड इंसुलेशन. स्टफिंग मटेरियल समझते हो आप लोग? स्टफ किया जाता है. ठीक है, इसकी लेयर क्या होती है बच्चों? थिक होती है. जो आपने बोल सकते हैं इनलास्टिक फाइबर है, थिक लेयर होती है. और समथिंग वॉर्म, गर्म चीजों को क्या करते हैं? लाइक इसके अंदर अपने रख सकते हैं. ठीक है, सफेद कैटेगरी. उसके बाद आता है बच्चों हमारे आज का जो न्यू टॉपिक है वो है हमारा एनिमल फाइबर. अब एनिमल से हमें मैंने दो चीजें मेन बताई थी आपको. ठीक है, एनिमल के लिए मेन दो बताई थी. कौन सी है हमारी? वुल. फर्स्ट ऑफ ऑल वुल के बारे में डिस्कशन करते हैं. दिस फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप. किससे मिलता है? बोलो हमारे को. शिप की जो हेयर होते हैं. द हेयर ऑफ कैमल्स, गोट एंड रैबिट आर ऑल्सो यूज मेकिंग वुलन फाइबर. जो बच्चों हमारे कैमल्स, गोट और रैबिट के हेयर होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है? वुल मिलती है. द हेयर इज रिमूव्ड फ्रॉम एनिमल. जो हेयर है लाइक उनको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है एनिमल से. स्पेशल क्लिपर ऑफ लार्ज रेजर. इनके लिए क्या होते हैं? क्लिपर होते हैं, रेजर होते हैं, जिससे उनकी जो हेयर्स हैं उनको अलग किया जाता है. दिस प्रोसेस रिमूवल ऑफ वूल शिप इज कॉल्ड शीयरिंग. जो हमारे को रिमूवल ऑफ वूल है, रिमूवल ऑफ वूल है, इसको अंडरलाइन कर लो आप, मैं लिख रही हूँ. इसको अपने क्या बोलते हैं बच्चों? शीयरिंग. क्या बोलते हैं? शेयरिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग मशीन. मशीन भी आती हैं, उनसे क्या किया जाता है? अलग किया जाता है उनके हेयर्स को. द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड ऑन द ब्रीड ऑफ शीप. डिपेंड करेगी कि जो ब्रीड है उसकी जो हेयर्स है वो किस टाइप के हैं. द क्वालिटी ऑफ डिसाइड बिसाइड कलर, थिकनेस, लेंथ, शाइन, स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर. ये सब भी क्या करते हैं? उस शिप की ब्रीड पे डिपेंड करते हैं कि उस शिप के हेयर कैसे हैं, चमकीले हैं, मोटे हैं, कैसे हैं. ठीक है, कलर कैसे. उसके बाद आता है फैजिमन, फैजिना, एन एक्सेप्शनली गुड क्वालिटी वूल. अब क्या है? ठीक है, ये क्या बच्चों? ये आप इसको अंडरलाइन करके लाइक बॉक्स में बंद कर लो. ये
ये गुड क्वालिटी की भूल होती है। क्या होती है? गुड क्वालिटी की भूल होती है, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप फाउंड इन कश्मीर एंड सराउंडिंग हिमालय एरिया। ये कहाँ मिलती है हमारे को? इसकी ये भूल कहाँ मिलती है? जो हमारा हिमालय का एरिया होता है, पहाड़ों वाला एरिया होता है, आप बोल सकते शिमला, वहां पे जो जिस टाइप की शिप होती है, शिप वगैरह होती है, वहां पे हमें ये भूल मिलती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, ठीक है। वूल इज फ्लफी सिंस इट रिटेन एयर बिटवीन द फाइबर। फ्लफी होती है लाइक, बहुत अच्छी कंफर्टेबल होती है। एंड एयर बीइंग अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्या होती है? एयर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है लाइक दैट। आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा गर्म कपड़ा होता है कि हमें हवा नहीं मिलती, ठीक है। एंड रिटेन बॉडी हीट, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मिलता है, हीट मिलती है। देयरफॉर वूलन क्लॉथ आर गुड फॉर वेयरिंग ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर। इसलिए हमें ठंड में क्या पहनने चाहिए? वूलन के कपड़े पहनते हैं या पहनने चाहिए, क्योंकि आपने आपको पता भी होगा कि हिमालय वाले एरिया में क्या होती है, स्नो होती है बच्चों, एरिया ठंडा होता है, वहाँ के लोग जो कपड़े पहनते हैं वो क्या करते हैं, इनकी इनकी के टाइप के पहनते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे, ठीक है। अपने तो यहाँ उनके कंपेरिजन में इतनी ठंड नहीं होती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा सिल्क। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून एंड सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म और कोकून से मिलते हैं। दे आर फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल कोकून की लाइफ साइकिल के बारे में बता रही हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है बच्चों? रेडी
हमारी सिल्क से रेडी होती है. ओके, लाइक शाइनेबल ड्रेसेस हमारी जो सिल्क के गर्लिश आइटम, आपको पता ही होगा. कुछ शर्ट भी ऐसी बनती है सिल्क की जो बहुत ज्यादा महंगी होती है, शाइनेबल होती है. ओके, तो आज की क्लास में इतना बहुत है. आप ये क्वेश्चन थोड़े देख लेना कि व्हाट इज द शेयरिंग. शेयरिंग मैंने आपको बताया था, इम्पोर्टेंस बता दो सिल्क होम की, सेरिकल्चर क्या है, ड्रेस मटेरियल कौन सा वैल्यूबल होता है, मैंने बताया आपको. ठीक है, तो आज की क्लास में इतना होता है. नेक्स्ट क्लास में स्पिनिंग ऑफ यार्न, किस तरह से धागा हमारा बनता है, धागे के बारे में सारी डिस्कशन करेंगे लास्ट क्लास में. ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.